दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने द स्ट्रगलर चैनल पे। आप सबकी भारी डिमांड पर आज हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर सुपरस्टार। इस सीरीज में हम बॉलीवुड के तमाम नए आर्टिस्ट को आपसे परिचय कराएंगे और उनके स्ट्रगलिंग टाइम के बारे में, उनकी दिलचस्प किस्से और कहानियां के बारे में बात भी करेंगे। तो आज आप सबके सामने मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ फ्यूचर सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड नितेश कुमार तिवारी का। अरे यार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितेश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इससे पहले मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी जो मूवी है रात अकेली है, जो नेटफ्लिक्स पर 31 जुलाई को आ रही है, एक बार हम उसका ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद हम आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या हुआ यहाँ? इस घर के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह जी, उनकी डेथ हो गई। आप सबको हम एक बात बता देते हैं, यहाँ जो कांड हुआ है ना, हम करेंगे उसकी जाँच। का कोई आदमी इन्वॉल्व है इसमें? थोड़ा खेलते हैं आप इनकी। आप यहाँ नहीं थे, कहीं बाहर थे? जरूर। सेल लोकेशन तो कुछ और बता रही है। आपको उनके जाने का दुख नहीं है? उनसे मिले ही कितना थे जो झूठा दूध खाएंगे। किस प्रकार के आदमी थे आपके पिताजी? क्या लगता है आपको किस प्रकार के होंगे? कौन उनसे इतनी नफरत करता था? ये शादी की रात थी। जिनके पास सब रहता है ना, उनसे लोग नफरत नहीं करते, उनसे लोग जला करते हैं। ये केस बहुत टेढ़ा है। कैबिनेट तोड़ा गया, बंदूक चलाई गई और किसी ने कुछ सुनाई नहीं। सीधा सा केस है, एक आदमी की हत्या हुई है जो कि उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कर दी है। थाने नहीं ले चलेंगे? अभी मुन्ना भैया को फोन लगाते, बहुत हो गया तेरा टंटा। कल सुबह तक तुम्हारी वर्दी ना उतरवा देना तो देखना तुम। यहाँ अपनी औकात समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा यह सब। सच बोलोगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। आप वो छिनाल जाने क्या करके रखे, आपने दिमाग का गोबर बना दिया। और अगर एक बार दिमाग ठनक गया ना, फिर चाहे वर्दी चाहे चाहे चौकी, हम सच कहीं से भी खोद निकालेंगे, इसकी चिंता आप ना करें। चाहे मर्जी से आप छुट्टी पे जाइए, नहीं तो हमसे कहिए, हम कर देते हैं आपको सस्पेंड। इतना आसानी से नहीं जाएंगे हम डरते नहीं किसी से। नाम याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जटिलिया था। कौन मार सकता है उनको तुम दोनों को छोड़ के? कोई भी हो सकता है। हमसे ज्यादा हिम्मत वाला, हमसे ज्यादा त्रस्त, और ऐसे किसी को हम तो नहीं जानते। इट्स ऑसम ट्रेलर ब्रदर, मजा आ गया देखने के बाद। मैं और हमारी द स्ट्रगल फैमिली के सभी लोग आपकी मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो नितेश, आपसे पहला सवाल यह है कि आप अपने बारे में अपने दर्शकों को एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, कि जैसे आपका नाम, मतलब आपकी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपने एक्टिंग कब से स्टार्ट की, आप जैसा जैसा इंट्रोडक्शन। हाँ यार बिल्कुल, वैसे भी हम एक्टर्स को इंट्रो देने की बड़ी आदत लगी होती है। मेरा नाम नितेश कुमार तिवारी है, मैं यहीं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। फादर आर्मी में थे तो यहीं आर्मी कैंट में पले बड़े, स्कूलिंग भी आर्मी पब्लिक स्कूल में करी, तो पहले एक्टिंग का और उतना सब कुछ इतना मॉल नहीं था। फिर जब ग्रेजुएशन के लिए बीबीडी में एडमिशन लिया तो वहाँ पे ड्रामेटिक सोसाइटी थी, वहाँ से एक्टिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा जाके कुछ पता चला। ये मेरी पहली फिल्म है जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला है, और 31 को नेटफ्लिक्स पे आ रही है। आप लोग आईडी पासवर्ड जुगाड़ करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। अरे वाह, नवाबों के साथ लखनऊ से। लखनऊ में वैसे कबाब ज्यादा फेमस है, बट ये अलग बात हो गई। वैसे नितेश, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो द स्ट्रगलर फैमिली है, इनके दर्शकों को आप ये बताइए कि जब आप ये अपनी रात अकेली है मूवी का ऑडिशन दिए थे, तो ये ऑडिशन हुआ कहाँ था, कैसे हुआ था? क्योंकि ये बहुत लोग के क्वेश्चन रहते हैं कि अगर हम किसी मूवी में सिलेक्ट होना है तो उसके लिए ऑडिशन कहाँ होते हैं, कैसे देना पड़ता है। तो आप एक बार उसकी एक थोड़ा सा डिटेल दीजिए कि आपने ऑडिशन कैसे दिया था और कहाँ पर ऑडिशन हुआ था इसका। हाँ यार, इसका ऑडिशन मैंने यहीं लखनऊ में दिया था। मेरा एक फ्रेंड है अविनाश गुप्ता, वो यहाँ की कास्टिंग करता है, तो उसने एक दिन मुझे कॉल किया, मैं बाहर खेल रहा था। उसने कहा यार एक अच्छा कैरेक्टर है, आजा ऑडिशन दे दे। मैं वहाँ गया तो
तो वहाँ श्रीधर सर से मुलाकात हुई, उनने समझाया कैरेक्टर के बारे में, बोला देख अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तो इतना बड़ा ऑडिशन मैंने कभी पहले दिया ही नहीं था, तो बड़ी नर्वसनेस और मतलब एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, घबराहट सब कुछ था, पसीना भी निकल रहा था। पर 3-4 दिन बाद मुझे ऑडिशन देने का मौका मिला। और ओके तो मतलब लखनऊ में ही आपका ऑडिशन हुआ था। यार देखो मेरी ये पहली फिल्म थी, तो जब शूट स्टार्ट हुआ तो मैं तो सबको पहले से ही सिर्फ ऐसे करके देख रहा था, इतने सीनियर एक्टर्स थे, इतना अच्छा अच्छा उन लोगों ने काम किया है, तो बहुत एक नर्वसनेस भी थी और एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा थी। शूट से पहले हम लोग मुंबई आए थे वर्कशॉप के लिए, वहाँ पे पहली बार सारे एक्टर्स से मिले, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग सब लोग एक फैमिली मेम्बर हैं स्टोरी में भी, और उन लोग ने सही में ऐसा ट्रीट भी किया, लगा ही नहीं कि यार कोई पहली बार मिल रहे हैं क्या है, तो जितना कुछ सीखने को मिला उतना ज़्यादा, बहुत सारे कैजुअल मोमेंट्स और हंसी मजाक सब चलता था, बहुत सही था, बहुत थैंकफुल हूँ। तो नितेश, जैसा कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ही बताए थे अपने इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज के बारे में, तो उसी से मिलता जुलता एक मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है कि बहुत लोग का क्वेश्चन रहता था कि जैसा कि आपने जब एक्टिंग करने के बारे में सोचा, तो आपने अपने घर को, अपने फैमिली के, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कैसे कन्विंस किया था एक्टिंग के लिए? क्योंकि जानते ही हैं कि इस लाइन में कुछ भी कन्फर्म नहीं होता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, तो एक बार आप इस क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए कि कैसे आपने कन्विंस किया था अपने फैमिली को। एक्टिंग के बारे में जानना मैंने शुरू किया था जब मैं ग्रेजुएशन में था, और मेरे फादर आर्मी में, मैंने बताया, तो उस बैकग्राउंड में ऐसा कुछ एक्टिंग के बारे में किसी को उतना नॉलेज नहीं था, और मेरे फैमिली से भी कभी कोई गया नहीं था इस फील्ड में, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी भी होती है, तो घर वालों का टेंशन लेना तो यार बनता है, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, वो तो उनका नेचर है यार। देखो आप बन भी जाओगे ना तब भी वो टेंशन लेंगे, बस उनका वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, वो देंगे कि यार अच्छी फिल्म करना, अच्छे से रहना, कहीं किसी गलत आदत में मत पड़ना, वो उनका लाइफ टाइम चलेगा। पर हाँ धीरे धीरे जब वो आपको देखते हैं कि आप अपनी फील्ड में, आप अपने स्किल पर काम कर रहे हो, आप सही में आप सीरियसली उस पर करना चाहते हो, तो आपको देख के उनके मन में भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा बिलीफ आने लगता है। तो नितेश, आप ये बताएं कि जो मुंबई में स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं उनके लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और जो इंडस्ट्री में नेटवर्किंग बनाई जाती है उसके क्या फायदे होते हैं? यार सबसे पहली बात, जो लोग मुंबई आने का मन रखते हैं और दूसरे शहरों में हैं अभी, आप लोग मुंबई को बिल्कुल हवा मत समझो, बहुत प्यारी सिटी है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे लोग हैं, नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स ये सब बन जाता है। आप ऑडिशन देने जाओगे, प्रोडक्शन हाउसेस जाओगे, वहाँ लोग मिलेंगे, धीरे धीरे करके आपको जान जाएंगे। आप ये मत करो कि यार ये बंदे से मुझे काम है तो आप जाके एकदम एक्स्ट्रा स्वीट करके बोल रहे हो हेलो सर, ये मत करो, कुछ भी फेक मत करो, आप उसको दोस्त बनाओ, दोस्त समझो, आप देखो यार वो भी एक ह्यूमन बींग है, उसका भी अपना स्ट्रगल है, और अगर वो आपको रिजेक्ट कर भी रहा है तो वो उसको आपसे दुश्मनी नहीं है, वो काम का नेचर ऐसा है। अपनी स्किल पे काम करते रहो, अपने पे वर्क करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, और वो भी तभी आपकी हेल्प कर पाएगा ना, जब आप स्किल्ड होगे, आप डिजर्विंग होगे, तभी तो वो आपको कर पाएगा। ऐसे आपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए, सब बना लिया, लेकिन अगर आप ऑडिशन ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो कैसे कोई आपकी हेल्प करेगा? तो वो एक कोट भी है शायद, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, तो वही वाली चीज़ है। तो थैंक यू नितेश, आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई हैं हमारे बीच में, और जो हमारी द स्ट्रगलर फैमिली के दर्शक हैं वो काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड। तो नितेश, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर बहुत सारे हैं, कोई अगर एक नाम लेना हो तो इरफान सर। थोड़ा मुश्किल सवाल है, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस ये भी बहुत सारी हैं, पर केट विंसलेट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर्स मार्टिन स्कॉर्सेसी और अनुराग कश्यप सर।
अच्छा, आपका फेवरेट एक्टिंग जोनर कौन सा है? जॉनर थ्रिलर एंड कॉमेडी, वैसे सारे जॉनर ही पसंद है। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज में मुझे वैसे फिटनेस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत पसंद है, पार्कोर और कैलिस्थेनिक्स। और अच्छा, आपकी फेवरेट डिश? डिश पनीर और अंडे से रिलेटेड कोई भी चीज़। फेवरेट मूवी? मूवीज भी बहुत सारी हैं यार। वैसे एक मूवी है पैच एडम्स, वो मुझे बहुत पसंद है। प्लेसेस फेवरेट प्लेस? कोई भी जगह जहाँ पे पहाड़ और समुंदर हो, वो मुझे बहुत पसंद है। और अच्छा, फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग यार देखो, सॉन्ग मैं एक नहीं बता पाऊंगा। सिंगर्स हैं फेवरेट, जैसे अली जफर, ए आर रहमान, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, इनके कोई भी गाने पसंद है। ये बताइए, अगर किसी मूवी का रीमेक हो रहा है तो आप कौन सी मूवी है कि जिसमें आप वो कैरेक्टर करना चाहते हैं? हाँ यार, फिल्म का रीमेक अगर कोई बने तो पान सिंह तोमर। तो थैंक यू टू पार्टिसिपेटिंग इन रैपिड फायर राउंड। आप जीत चुके हैं 1 बुके ऑफ लव फ्रॉम आवर व्यूअर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे चलकर बहुत कामयाब हों और बहुत तरक्की करें। और अब हम आ चुके हैं अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर। मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो द स्ट्रगलर फैमिली के दर्शक हैं, इनको अपने 2 शब्द कहें। सबसे पहले भावेश भाई, तुमको बहुत बहुत थैंक यू। तुमने जो इतना प्यारा सा चैनल स्टार्ट किया है द स्ट्रगलर, बहुत वैल्यू मिलती है उसमें स्ट्रगलिंग एक्टर्स को। बहुत थैंक यू, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो भाई। और दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं बता पाऊँगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबकी अपनी जर्नी होती है, आपकी है, मेरी है। जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर गई, हो सकता है आप लोगों के लिए ना करें। और बस इतना है यार, देखो अपनी हैप्पीनेस को आप फ्यूचर में मत ढकेलो। आप ये मत सोचो कि जब ये चीज़ हो जाएगी उसी के बाद मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखो, अपने आसपास की चीज़ें जो आपके पास अभी हैं, आप उनमें खुश रहो पहले, उसके बाद किसी चीज़ के पीछे जाओ। अगर आप उन छोटी सी चीज़ों में खुश नहीं हो पा रहे हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बड़ी चीज़ जो आपने दिमाग में बड़ी बना रखी है वो हो जाएगी, तब भी आप खुश रहोगे। और ट्रस्ट करो अपनी लाइफ की टाइमिंग पे, ट्रस्ट करो यार, सब चीज़ राइट टाइम पे ही आती हैं। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात एकदम दिमाग में डाल लो। और बस अब 31 को देखिएगा नेटफ्लिक्स पे राहत के लिए। थैंक यू नितेश फॉर योर टाइम। अपने इतने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाल के देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोबारा बातचीत बहुत जल्दी होगी। और हमारे द स्ट्रगलर फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा, और नितेश को देख के काफ़ी खुशी भी हुई। मैं नितेश का इंस्टाग्राम का पेज आपको शो कर रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि जैसे मैं अगली बार कभी भी मुलाकात हो मेरी नितेश है तो मैं उससे ये सवाल जवाब ज़रूर पूछ सकूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कि एक नया राइजिंग स्टार, एक नया फ्यूचर सुपरस्टार आ रहा है। और बस, जाते जाते सब्सक्राइब करना द स्ट्रगल फैमिली को। जय हिंद, जय भारत।